हेलो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। इससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। ये कहानी एक वासना में लड़की की है। हम उसे एक बीच पर वेटर्स का काम करते हुए देखते हैं। इसकी उम्र 30s में है, पर इसके साथ इस कहानी में और भी किरदार हैं। हमारा सामना होता है माइकी से। माइकी यहाँ पर लाइफ गार्ड का काम करता है। उसका सपना है कि वो एक फेमस प्ले राइटर बने। इसके बाद हम एक यंग लड़की कैरोलिना को अपने सामान के साथ आते हुए देखते हैं। वो यहाँ गिनी के बारे में पूछती है। यहाँ का गार्ड बताता है कि उससे खबर नहीं कि गिनी कहाँ है, पर वो जानता है कि वो वेटर से काम यहाँ पे करती है। कैरोलिना जब गिनी के पास पहुँची है तब भी वो गिनी के बारे में पूछती है। यहाँ में पता चलता है कि कैरोलिना ने कभी भी गिनी को देखा नहीं है। गिनी यहाँ कहती है कि वही गिनी है। इसके बाद ये दोनों अपने आप को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराते हैं। यहाँ पता चलता है कि गिनी कैरोलिना के फादर की सेकेंड वाइफ है। गिनी कैरोलिना को रहने के लिए जगह दिखाती है। गिनी अपने घर में उसे ले जाती है। दरअसल ये गिनी की भी दूसरी शादी है। जब उसने पहली शादी की थी तब उसका हस्बैंड उसे छोड़कर चला गया। उसके बाद गिनी की मुलाकात कैरोलिना के फादर हम्प्टी से हुई और उन दोनों ने शादी कर ली। यहाँ कैरोलिना बताती है कि उसकी मदर की डेथ हो चुकी है। वो काफ़ी अपनी मदर से रिजेंबल करती है। ये आपस में बातें कर ही रहे हैं कि तभी यहाँ पर हम्प्टी आ जाता है। हम्प्टी अपनी डॉटर कैरोलिना को देखकर काफ़ी गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम अभी यहाँ से चली जाओ, तुमने अपनी लाइफ खुद अपने हाथों बर्बाद कर ली। वो ये भी कहता है कि कैरोलिना की मदर से उसने प्रॉमिस किया था कि वो कैरोलिना को अच्छी एडुकेशन दिलाएगा। उसने सारे पैसे भी अरेंज किए थे, पर कैरोलिना ने उन सबको छोड़कर एक गैंगस्टर से शादी कर ली। कैरोलिना कहती है कि उसकी गलती थी, उस शादी से वो खुश नहीं रही और फिर उसने उसे छोड़ दिया। वो कह रही है कि उसे बहुत डर लगता है क्योंकि उसका हस्बैंड फ्रैंकी उसे ढूंढता रहता है। फ्रैंकी को लगता है कि कैरोलिना फ्रैंकी के खिलाफ सबूत FBI को देने वाली है। ऐसे में वो अपने आदमियों को भेजता रहता है कैरोलिना को ढूंढने के लिए। कैरोलिना यहाँ पर हेल्प मांगने आई है। हम्प्टी कहते हैं कि वह कैरोलिना को हेल्प करने को तैयार है, वो उसे यहाँ रहने भी देगा, पर कैरोलिना को ये वादा करना होगा कि वो अपनी पढ़ाई के लिए पैसे इकट्ठा करेगी और इसके बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी करेगी। कैरोलिना इसके लिए राजी हो जाती है। इधर हम गिनी के बेटे ऋषि को देखते हैं। ऋषि को आग लगाने का बड़ा शौक है। उसे जो भी कुछ मिलता है उसमें आग लगा देता है। अक्सर वो स्कूल भी नहीं जाता। इस बात के लिए गिनी बड़ी परेशान रहती है। अब गिनी ने कैरोलिना के लिए जॉब ढूंढ दी है एक वेट्रेस के तौर पर। कैरोलिना यहाँ पर जॉब करती है और फिर अपनी क्लासेस अटेंड करती है। कुछ दिनों के बाद हम गिनी को देखते हैं जो कि एक बीच पर वॉक कर रही है। वॉक करते हुए अचानक से उसकी नज़र जाती है माइकी पर। माइकी जब गिनी को देखता है तो उसे डांटता है कि इस समय उसे यहाँ वॉक नहीं करना चाहिए, ये काफ़ी अनसेफ है। इसके बाद माइकी छाता लिए गिनी को सपोर्ट करने जाता है। यहाँ दोनों में बातचीत होती है। इसके बाद दोनों अगली बार भी मिलते हैं। दोनों एक कॉफ़ी टेबल पर बैठे हैं। गिनी अपने बारे में बताती है जबकि माइकी अपने बारे में। माइकी कहता है कि वो एक प्ले राइटर बनना चाहता है और इसके लिए वो सारी तैयारियाँ कर रहा है। इस लाइफ गार्ड की जॉब से वो खुश नहीं है। इसके बाद अभी अक्सर मिलते रहते हैं। दोनों को जब भी मौका मिलता है दोनों हम बिस्तर होते हैं। गिनी जब माइकी से मिलने जाती है तो अपने आप को काफ़ी तैयार करती है, काफ़ी ड्रेसअप करती है। एक बार जब ये दोनों बीच पर है तब गिनी माइकी से बता देती है कि उसकी उम्र 29 साल हो चुकी है। उसने 2 शादियाँ की हैं। पहले हस्बैंड के साथ उसने शादी की थी जो कि ड्रमर था, पर गिनी उसके साथ खुश नहीं थी। उसने किसी और मर्द से रिश्ता बनाया और जब उसके हस्बैंड को पता चला तब उसे छोड़कर चला गया। बाद में गिनी को रियलाइज़ हुआ कि उसका हस्बैंड उसके लिए क्या था। वो उससे बहुत प्यार करने लगी थी, पर तब तक वो बहुत देर कर चुकी थी। इसके बाद गिनी की मुलाकात हुई हम्प्टी से और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। गिनी कहती है कि वो हम्प्टे के साथ कभी भी खुश नहीं रही, उसने कभी उससे प्यार नहीं किया, वो तो मजबूरी में उसने शादी कर ली। यहाँ गिनी माइकी से कहती है कि वो माइकी से बड़ी खुश है, उससे वो उसे वो प्यार मिलता है जो उसे चाहिए। यहाँ माइकी भी गिनी को एक्सेप्ट कर लेता है। वो कहता है कि वो पहले भी शादीशुदा औरतों से रिश्ते बना चुका है तो ये उसके लिए नई बात नहीं है। इस तरह इन दोनों का रिश्ता अब चल पड़ा है। दोनों इस बीच पर जब भी सुनसान जगह मिलती है एक साथ हम बिस्तर होते हैं। इन दोनों ने अपने सहवास के लिए एक जगह भी ढूंढी है। इस अपार्टमेंट में दोनों मिलते हैं और एक साथ रति क्रिया करते हैं। एक बार गिनी जब कैरोलिना के साथ वॉक कर रही है तब अचानक से माइकी इनके सामने आ जाता है। गिनी यहाँ माइकी से कैरोलिना को इंट्रोड्यूस कराती है। कैरोलिना को देखकर माइकी के अंदर वासनाएँ उमड़ पड़ती हैं। अब वो कैरोलिना को पाना चाहता है। अगली बार भी कैरोलिना से माइकी की मुलाकात होती है। माइकी कैरोलिना को एक प्ले हैमलेट को गिफ्ट के तौर पर देता है। कैरोलिना इसे अपनी क्लास में भी पढ़ती है। जब वो क्लास से बाहर निकलती है तब बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। माइकी यहाँ कार में बैठा है उसे लुफ्त देने के लिए। कैरोलिना उसके इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है।
बाद में मैगी कैरोलिना से कहता है कि क्यों ना हम कहीं दूर चले। कैरोलिना कहती है कि वो आज नहीं जा सकती क्योंकि आज उसे अपने काम पर जाना है। इस तरह कैरोलिना यहाँ से चली जाती है। बाद में कैरोलिना वेटर्स का काम करती है। यहाँ जब उसका सामना गिनी से होता है तब वो इस बारे में बता देती है कि उसने माइकी से मुलाकात की। वो कहती है कि माइकी उसे अच्छा लगता है, वो उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही है। गिनी इस बात पर काफ़ी नाराज़ होती है। वो कैरोलिना से कहती है कि माइकी बड़ा धोखेबाज है, उसका किसी और भी औरत से संबंध है। बाद में गिनी जब माइकी से मिलती है तब वो उसे डांटती है, वो उसे कैरोलिना से दूर रहने को कहती है। माइकी भी कहता है कि वो सिर्फ एक कैजुअल मुलाकात थी, अब वो कैरोलिना से कभी नहीं मिलेगा। कुछ दिनों के बाद गिनी माइकी को एक वॉच गिफ्ट के तौर पर दे रही है। माइकी इसे लेने से इनकार कर देता है। वो कहता है कि उन्हें अपने रिश्ते में स्लोली चलना चाहिए। गिनी कहती है कि तुम ये सब तब से करने लगे हो जब से कैरोलिना से मिले हो। वो कहती है कि उसे शादी करना चाहती है, पर जब माइकी इससे इनकार करता है तब गिनी गुस्से में वॉच को फेंक देती है। जब वो घर आती तो देखती है कि रिची पर हम्प्टी नाराज़ है, वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है। दरअसल हम्प्टी के जेब से $400 चोरी हुए हैं। उन्हीं पैसों को चुरा कर गिनी ने माइकी के लिए वॉच खरीदी, पर यहाँ कुछ उल्टा हो गया है। हम्प्टी को लगता है कि ये पैसे रिची ने चुराए हैं इसलिए उसे डांट रहा है। गिनी यहाँ काफ़ी डिप्रेशन में है, वो ड्रिंक करना शुरू करती है। इतने में यहाँ कैरोलिना आ जाती है। वो कहती है कि आज की रात वो माइकी के साथ डेट पर जा रही है। ये जानकर गिनी और भी डिप्रेशन में आ गई है, वो और भी ड्रिंक लेती है। कैरोलिना कहती है कि वो पिज्ज़ा पार्लर जा रही है डेट के लिए, और ऐसा कहकर वो यहाँ से चली जाती है। गिनी बाद में पिज्ज़ा पार्लर फ़ोन लगाती है कैरोलिना को रोकने के लिए, पर बाद में वो अपना इरादा बदल देती है। इधर हम कैरोलिना और माइकी को देखते हैं जो कि डेट पर हैं। यहाँ माइकी कैरोलिना से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। जब उसे पहली बार मिला था तब पहली नज़र में उसे प्यार हो गया था। कैरोलिना उसके इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। यहाँ माइकी डिस्क्लोज कर देता है कि उसका गिनी से संबंध है। ये जानकर कैरोलिना काफ़ी हर्ट होती है। इस डेट को ख़त्म कर वो चली जाती है। रात भर कैरोलिना गायब है। सुबह होने के बाद भी जब वो घर नहीं लौटी तब हम्प्टी परेशान हुआ है। वो उसे ढूंढता हुआ माइकी के पास जाता है। माइकी कहता है कि कैरोलिना कल शाम को ही चली गई थी। हम्प्टी कहता है कि अगर कैरोलिना को कुछ भी हुआ तो वो माइकी को जान से मार देगा। अब हम्प्टी को लगता है कि उसकी डॉटर को फ्रैंक के आदमियों ने उठा लिया है और अब तक शायद वो मर भी चुकी है। इस गम में वो भी पीना शुरू करता है। इसके बाद वो पिज्ज़ा पार्लर जाता है कैरोलिना के बारे में पता लगाने के लिए। इधर हम गिनी का बड़ा अजीब बिहेवियर देखते हैं। वो अपने आप को एक कॉस्ट्यूम में ड्रेसअप करती है, ऐसा लगता है वो कोई प्ले करने जा रही है। इतने में यहाँ माइकी पहुँच जाता है। वो गिनी पर आरोप लगाता है कि कैरोलिना के गायब होने में गिनी का हाथ है। वो कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने पिज्ज़ा पार्लर में फ़ोन लगाया था, शायद तुम्हें ने फ्रेंकी के आदमी को फ़ोन करके बुलाया होगा और तब से कैरोलिना गायब है। गिनी कहती है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो, तुम मुझे देखो, मैं काफ़ी अट्रैक्टिव हूँ। मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा है पर फिर भी मैं काफ़ी मच्योर हूँ। वो अपने कॉस्ट्यूम को दिखाते हुए कहती है कि वो उसके प्ले के लिए परफेक्ट है। माइकी यहाँ उसकी बातों को तवज्जो नहीं देता और यहाँ से चला जाता है। गिनी इस पर काफ़ी गुस्सा होती है। कुछ समय के बाद हम्प्टी यहाँ पहुँचा है। वो कहता है कि उसे अभी तक पता नहीं चल पाया कैरोलिना कहाँ गई है, पर उसने वो उम्मीद खो दी है कि कभी भी कैरोलिना उसे मिल भी पाएगी। वो गिनी को भी डांटता है कि वो बड़ा अजीब बिहेव क्यों कर रही है और उसने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। गिनी उसे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती। यहाँ इन दोनों में कहासुनी भी होती है, दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई भी करते हैं। थोड़ी देर में हम्प्टी गिनी से माफ़ी मांगता है अपने बिहेवियर के लिए और उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो कभी उसे छोड़ कर ना जाए। उसे कहते हैं कि क्यों ना उसके साथ फ़िशिंग ट्रिप पर आए, साथ में फ़िशिंग करेंगे, पर गिनी इसके लिए इनकार कर देती है और ये फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है। फिल्म के एंडिंग से ये साफ लगता है कि कैरोलिना के गायब होने में गिनी का हाथ है। फिल्म में दिखाया नहीं गया कि कैरोलिना बची या मर गई, पर चूंकि माइकी ने गिनी को रिजेक्ट कर दिया अब गिनी मजबूर है हम्प्टी के साथ रहने के लिए और वही बोरिंग लाइफ जीने के लिए।